झारखंड तीसरा मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक राजधानी रांची के पुराना विधानसभा सभागार में आहूत की गई। बैठक के मोर्चा के संयोजक पूर्व ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो मीडिया को संबोधित करते नजर आए। मोर्चा के संयोजक ने बताया कि हमारी इस बैठक में 14 राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया। बैठक में सभी की सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 10 मार्च को राजधानी रांची में सम्मेलन किया जाएगा, जो तीसरे विकल्प आगामी चुनाव में जनता के बीच हो। इसे लेकर हमारी लगातार पहल होगी, क्योंकि केंद्रीय और क्षेत्रीय पार्टी जन मुद्दों पर विफल दिखती है। झारखंड तीसरा मोर्चा की कोर कमेटी की मीटिंग हुई। आज इस मीटिंग में 14 पार्टी के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि शामिल हुए। उसमें मुख्य रूप से झारखंड नव निर्माण दल, संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी और राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी, आम आवाम विकास पार्टी, अखिल भारतीय मानव सेवा दल, बहुजन सदान मोर्चा, लोक हित अधिकार पार्टी, LAP पार्टी, झारखंड जनवादी मोर्चा, जन क्रांति मोर्चा, AIMOC पार्टी और API पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी, साथ साथ जो झारखंड के बहुचर्चित संगठन सामाजिक पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा, सदान विकास परिषद इत्यादि 14 दल के लोग आज के इस मीटिंग में शिरकत किए। सबों का सर्वसम्मति से निर्णय हुआ, झारखंड में जो राष्ट्रीय पार्टियां, जो दो मोर्चा देश में और राज्य में जो काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी, NDA जो पूरे देश को बेरोजगारी में धकेलने का काम किया है, महंगाई चरम सीमा पर है, देश के जितने सरकारी उद्योग थे केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी के सहयोग से उद्योगपतियों को बेचने का काम किया है, बैंक LIC आदि से पैसे निकाल करके पूंजीपतियों को देने का काम किया है, गरीबों का, देश के उद्योगपतियों से जो पूरा देश की संपत्ति देने का काम कर रहा है। साथ साथ अभी सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय हुआ इलेक्ट्रोल बॉन्ड, वो साफ हो गया कि राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के नेतृत्व में लीगल करप्शन जो है पूरे देश में बढ़ाया गया है और उद्योगपतियों से 90% राशि भारतीय जनता पार्टी के खाते में डलवाने का काम किया है। दूसरे तरफ झारखंड में जो कांग्रेस और JMM का जो सरकार चल रही है, इस सरकार में अंचल से लेकर के ब्लॉक से लेकर के जिला से लेकर के राज्य तक भ्रष्टाचार का आलम है, करप्शन का टोटल यहाँ करप्शन में डूबा हुआ है। विकास जो है कागजों में है, गरीबों तक नहीं जा पा रहा है। सारे के सारे यहाँ के IAS IPS भ्रष्ट हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर जनता यहाँ त्रस्त है, इसलिए जनता जो है तीसरा विकल्प चाहती है। हम लोगों ने झारखंड के जितने रजिस्टर्ड पार्टियाँ हैं उनको एक साथ जोड़ करके आज 14 पार्टी के लोग यहाँ शिरकत किए। सब लोगों के सर्वसम्मति से निर्णय है कि झारखंड के जनता को तीसरा विकल्प हम लोग जो है तीसरा मोर्चा के रूप में और देने का काम करेंगे। आने वाले विधान लोकसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा का 14वां विधान लोकसभा में हम लोग अपना उम्मीदवार देने का काम करेंगे। इसी को आगे गति बढ़ाने के लिए आज के में निर्णय लिया गया
कि 10 तारीख को आने वाले 10 मार्च को रांची में एक सम्मेलन कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, जिसमें 14 पार्टी 15 पार्टी के जो लोग हैं अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ उस सम्मेलन में शिरकत करेंगे और राज्य के जनता को एक मैसेज देने का काम करेंगे कि हम आपके विकल्प के रूप में तीसरा मोर्चा आपके साथ खड़ा है, आप जो तीसरा मोर्चा को सहयोग करें। बस यही निर्णय आज के बैठक में लिया गया। धन्यवाद।